वेलकम बैक फ्रेंड। तो CBSE ने कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2021 की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए बहुत बड़ी यहां पर राहत भरी खबर दी है और सभी स्टूडेंट्स के लिए यहां पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। तो सभी स्टूडेंट्स वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि ये खबर आपके लिए काफ़ी खास। CBSE बोर्ड से जुड़े 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं के लिए ये खास खबर है। स्वागत है आपके हमारे इस चैनल पर और सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम अपने चैनल पर खास अपडेट्स आप लोगों के लिए लाते हैं। शिक्षा से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए इस चैनल पर लगातार बने रहें। आइए आपको बताते हैं कि CBSE ने कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2021 की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के मार्कशीट में लिखे सी से परेशान नहीं होने की बात की है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि कुछ छात्रों की मार्कशीट में सी लिखा हुआ आएगा, लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि उनके मार्क्स कम आए हैं या वे फेल हैं, बल्कि यहाँ सी का मतलब कोरोना संक्रमण से है। कोरोना पॉजिटिव छात्रों को मिलेगा दूसरा मौका। CBSE ने कोरोना संक्रमित छात्रों को प्रैक्टिकल एग्जाम में राहत देने का फैसला किया है। अगर कोई छात्र पॉजिटिव है या उसके घर में कोई संक्रमित है तो वह प्रैक्टिकल परीक्षा बाद में दे सकता है। सभी स्कूलों को हर हाल में 11 जून 2021 तक प्रैक्टिकल परीक्षाएं आयोजित करवानी होगी। छात्रों की मार्कशीट में लिखे सी का मतलब यही है कि उन्होंने कोरोना के चलते अभी परीक्षा नहीं दी है। इसके बाद 2020 में कोरोना के बिगड़े हालातों के बीच कई छात्र अपने परिवार के साथ दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए थे, तो ऐसी स्थिति में CBSE बोर्ड ने उन्हें अपना परीक्षा केंद्र बदलने की राहत दी है। जो भी छात्र अपना परीक्षा केंद्र बदलेंगे, स्कूल को उनकी मार्कशीट अपलोड करते समय उस पर टी लिखना होगा। यहाँ टी का मतलब ट्रांसफ़र है। आपकी जानकारी के लिए आपको यह बता दें कि CBSE बोर्ड प्रैक्टिकल परीक्षाएं 1 मार्च 2021 से शुरू हो गई थी और 11 जून 2021 तक अभी फिलहाल चलती रहेंगी। तो ये था यहाँ पर आपके मार्कशीट में लिखे सी और टी का अर्थ। कैसी लगी यह जानकारी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी जरूर करते रहिए। मिलते हैं एक और खास अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।